ठीक हो गया, सही। अच्छा आज अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये। थ्रेडिंग का मतलब क्या है? थ्रेडिंग का मतलब है कि आपने कि एक अगर आपके पास एक प्रोसेस चल रहा हो, एक प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो, इसके अंदर आप एक टाइम पे मल्टीपल कोड किस तरह रन कर सकते हो। अच्छा इसका सुनने बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मल्टीपल कोड सेम टाइम पे रन करने का मतलब क्या है, क्योंकि सेंस नहीं बनती। ये हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक वक्त में एक एक लाइन रन हो रही होती है आपके पास, मल्टीपल कोड तो एक प्रोग्राम के अंदर रन नहीं होते। तो इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पे थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज करो कि आपके पास जीयूआई यहाँ पे ऐप है, यहाँ पर इसके अंदर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक टाइमर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो हम सपोज करो एक डिजाइन कर रहे हो आपकी, इसके अंदर टाइमर कंट्रोल हो कि जब आप यहाँ पे इसको रन कर दो, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाए 1 2 3 4 5 6 और 1 सेकंड गैप से काउंटिंग हो रही हो यहाँ पे, और राइट साइड पे एक ग्लोब की कोई एनिमेशन बनी हो। यहाँ पर हम चाहते हैं यहाँ पे कोई एनिमेशन हो, ग्लोब रोटेट कर रहा हो, ये हम चाह रहे हैं ग्लोब यहाँ पे रोटेट कर रहा है। अच्छा अब देखें, अगर आप हम चाहते हैं ग्लोब को आप रोटेट भी करते रहो और साथ में काउंटिंग भी करते रहो, फिर अगर हम चाहें तो ग्लोब की स्पीड को कंट्रोल भी कर सकें यहाँ पे। तो अगर मैं स्लाइडर लगा कर इसको लेफ्ट राइट करता हूँ यहाँ पे, ग्लोब की स्पीड यहाँ पे कंट्रोल भी हो, और अगर मैं यहाँ पे रीसेट करूँ तो मेरा काउंटर यहाँ पे रीसेट हो जाए। दूसरी बात यह कि अगर मैं चाहूँ कि इस विंडो का मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ, विंडो को मूव करूँ, तो विंडो को मूव भी कर लूँ, ये हैंग नहीं होनी चाहिए, फ्रीज ना हुई हो। तो अब आप लोग बताओ कि ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि दोनों पार्ट्स प्रोग्राम के इंडिपेंडेंटली सेम टाइम पे रन हो रहे हो, काउंटिंग भी हो रही हो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ग्लोब एनिमेट भी कर रहा हो, और आपका जो प्रोग्राम है वो हैंग भी ना हो अगर उसको मूव कर रहे हैं हम जी? क्या कहते हो इसके बारे में आप लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है करना? सर होता तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जाहिर है इसमें प्रोग्रामिंग में। जी बिल्कुल, हमने अभी तक कभी ये काम नहीं किया होगा, अभी तक 6 semesters में कोई इस तरह की पैरेलल में प्रोग्रामिंग हमने नहीं की होगी, ना हम पढ़ते हैं इस तरह की चीज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे दो लूप्स आ रहे हैं, एक लूप आपके पास आ रहा है इस मेन वाला लूप, यानी कि जो आपके पास काउंटिंग कर रहा होगा, इसको आप कह लो कि मेन फंक्शन के अंदर लूप है। अब एक सेकेंड लूप आ रहा है यहाँ पे जो ग्लोब आप एनिमेट करवा रहे हो, ये भी एक लूप होना चाहिए, और इस लूप को हम एक सेपरेट थ्रेड के लूप में डालेंगे। तो जिस टाइम मेन फंक्शन आपका चल रहा होता है, इस टाइम हमें थ्रेड का भी एक मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये दोनों पार्ट्स इसके पैरेलल में काम कर सकें। तो इसको हम देखते हैं थ्रेड में करने का मतलब क्या है। इसका मतलब कि सपोज करो मेन प्रोग्राम के अंदर आपके पास लाइंस लिखी हुई, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, तो अगर थ्रेड का भी मेन फंक्शन होगा उसकी भी लाइनें लिखी होंगी यहाँ पे, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4। तो अब क्या हो रहा होगा, टाइम 0 के ऊपर अगर तो दोनों लाइन सेम टाइम पे रन हो रही होंगी, मेन फंक्शन की भी और थ्रेड की भी। टाइम 1 के ऊपर ये येलो जो हाईलाइट किया हुआ है कि मेन फंक्शन भी सेम टाइम पे रन कर रहा होगा और थ्रेड का फंक्शन भी सेम टाइम पे रन कर रहा होगा, एग्जैक्टली इंस्टेंटली पैरेलल में चल रहा होगा यहाँ पे, कोई इसमें कोई वो ये नहीं हुआ कि एक के बाद वो रन कर रहा होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि थ्रेड्स यहाँ इस तरह से थ्रेड्स बनते हैं यहाँ पर, और फिर हम देखते हैं कि थ्रेड की जरूरत क्यों है, यानी कि हमें इंटरनेट की प्रोग्रामिंग करते हुए थ्रेड क्यों जरूरत है, उसको भी हम देखेंगे बाद में यहाँ पर। पहले हम देख लेते हैं कि थ्रेड्स बनते कैसे हैं। तो हम एक थ्रेड की एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर पहले एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया यहाँ पर, इसके अंदर सिंगल थ्रेड है और कुछ भी नहीं कर रहा। ये प्रोग्राम क्या करेगा आपको यहाँ पर, तो इसके अंदर बेसिकली से लेकर 15 वो कंसोल पर सारे नंबर्स प्रिंट करवा दिए हैं, और आखिर में हमने प्रिंट कर दिया मेन फिनिश। तो ये हमारे पास सिंगल थ्रेडेड एक प्रोग्राम है, इसमें एक ही थ्रेड है, यानी मेन फंक्शन कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि एक और इसमें एक पैरेलल में एक और थ्रेड इसमें ऐड करें, यानी दो थ्रेड्स बना दें। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक और लूप हो जो इसके साथ साथ रन कर रहा हो पैरेलल में सेम टाइम पे, एक ये लूप चल रहा हो साथ में एक और लूप चल रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम था हमारे पास, तो इसको उठाकर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पहले मैं ये प्रोग्राम भेज देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये मेरे पास सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम आ गया, और अब मैं यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडेड प्रोग्राम यहाँ पर
अब ये देखो कि अब मैंने कोड में क्या मॉडिफिकेशन किए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ऊपर वाला मेन पार्ट, आपके पास ये मेन फंक्शन आ गया, हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास प्रोग्राम है इसका ये मेन फंक्शन आ गया है। इसके अंदर भाई ये दो लाइन मैंने ऐड की है यहाँ पे, बाकी प्रोग्राम मेरा सेम है, ठीक हो गया। ये दो प्रोग्राम्स, ये दो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है यहाँ पे, इस क्लास की जो कि हैंड्रेड क्लाइंट के नाम से क्लास बनाई हुई नीचे मैंने, उसकी एक ऑब्जेक्ट बना दी उसने क्लाइंट के नाम से। फिर उसने क्या किया, क्लाइंट का फंक्शन कॉल कर दिया डॉट स्टार्ट थ्रेड का। तो बस ये दो काम हमने यहाँ पे किए, एक आपने ऑब्जेक्ट बना दी क्लास की, दूसरा आपने एक थ्रेड स्टार्ट करवा दिया यहाँ पे, बाकी कोड सारे का सारा वही है। और फिर जो सेकेंड क्लास को हम देखते हैं यहाँ पे हैंड्रेड क्लाइंट की, इसके अंदर हमने क्या किया, स्टार्ट थ्रेड का फंक्शन क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने ये अब हम एक्चुअल थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने थ्रेड का नाम रख दिया सिटी थ्रेड, तो मैंने लिखा थ्रेड सिटी थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और आगे मैं लिखा हुआ डू चैट। डू चैट का मतलब ये है कि इस थ्रेड का मेन फंक्शन कौन सा होगा, तो उसका नाम बता दे। मैंने कहा डू चैट जो है ना, ये मेन फंक्शन है जो कि मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये इसका मेन फंक्शन है। तो मैंने कहा डू चैट इसका मैंने नाम रखा हुआ है, फिर नीचे मैंने सिटी थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो मैंने खाली ये दो काम किया कि एक मैंने क्लास बना दी इसकी अलग से, सेकंड प्रोग्राम की जिसके अंदर मैंने साथ में रन करना है, और इसका मैंने थ्रेड यहाँ पे क्रिएट कर दिया और उसको स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब डू चैट का जो फंक्शन होगा, अब ये सेम टाइम पे रन हो रहा होगा जिस टाइम पे मेन फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों लॉजिक यहाँ पे सेम टाइम पे चल रही होगी। तो अब जरा मैं यहाँ पे डू चैट का फंक्शन उठा के दोनों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि एक मेरे पास यहाँ पे डू चैट का फंक्शन यहाँ पर आ गया, और एक साइड पे हमारे पास मेन फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर हमारे पास यहाँ पे दोनों सेम टाइम पे पैरेलल में रन कर रहे होंगे। सो इन दो लाइंस को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये तो बेसिकली थ्रेड को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट यूज किए हुए हमने, तो इनको हम इनको इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी कोड को देख लेते हैं यहाँ पे। तो इनको बेसिक यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो, हमने कलर यहाँ पे लाइट कर दो। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक लूप है आपके पास डू चैट के अंदर, ये थ्रेड का लूप होगा, और यहाँ पे जो मास्टर लूप है यहाँ पे ये मेन फंक्शन का लूप होगा। अच्छा, अब आप चेक कर लो यहाँ पे दोनों लूप्स के अंदर हमने 100 तक काउंटिंग की हुई है। डू चैट के अंदर मैं 0 से लेके 99 तक काउंटिंग कर रहा हूँ, और मेन फंक्शन के अंदर 150 से लेके 250 तक काउंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों के डिफरेंट मैंने यूज़ किए हैं काउंटिंग की, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब दोनों इकट्ठे प्रिंटिंग कर रहे होंगे तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्रिंटिंग मेन फंक्शन ने किया, ये मेरे थ्रेड ने किया। तो इसके बाद डिफरेंट नंबर सीरीज यहाँ पे यूज किया, 100 से कम होगा तो थ्रेड ने प्रिंट किया होगा, और अगर 100 से बड़े नंबर प्रिंट हुए हैं तो वो मेरे मेन फंक्शन ने प्रिंट किया। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, अब दोनों ये लूप मेरे यहाँ पर सेम टाइम पे पैरेलल में यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो ये भी रन कर रहा है सेम टाइम पे, और ये भी रन कर रहा होगा यहाँ पर। अच्छा, अब मैं जरा प्रोग्राम चला के देखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई है। अच्छा, अब चेक कर रहे हो दरमियान में क्या हो रहा है, कभी 100 की सीरीज चलती है, कभी यहाँ पे 100 से कम की सीरीज की चलती है, कभी 100 से ऊपर की सीरीज चलती है। तो पहले 150 151 प्रिंट हुआ, फिर 012 प्रिंट हो गया, फिर 152 से लेके 174 तक प्रिंट हुआ, फिर 3 से लेके 8 तक प्रिंट हो गया, फिर 177 तक प्रिंट हुआ, फिर 9, 10, 11, 12 शुरू हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली दोनों आपके लूप्स पैरेलल में चल रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पैरल में चलते हुए किस तरह से ये लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं अपनी। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन फंक्शन फिनिश्ड, तो मेन फंक्शन का लूप पहले पूरा हो गया। जब मेन फंक्शन पूरा हो गया उसके बाद खाली थ्रेड रह गए यहाँ पे, तो उसके बाद फिर 98 के ऊपर जाके थ्रेड भी कम्प्लीट हो गया, आपके बाद थ्रेड ने कहा कि मैं भी फिनिश कर गया हूँ। तो इस तरह से क्या किया हमने, इस प्रोग्राम के अंदर हमने दो लूप्स पैरल में चलाए हैं यहाँ पे। जी, ये क्लियर हो गया सबको? तो इसको हम कहते हैं कि ये एक तरह की थ्रेडिंग की एग्जाम्पल है यहाँ पे, थ्रेड्स ऐसे बनते हैं हमारे पास। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली हमने कैसे बनाया यहाँ पे, हमने सिंपल यहाँ पर ये थ्रेड जो मेन काम है आपका ये करना काम है कि थ्रेड की क्लास, थ्रेड की एक लाइब्रेरी ऊपर ऐड करनी है आपने। तो हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट थ्रेडिंग की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड कर दी है यहाँ पर। उसके बाद हमने ये कॉल करना है थ्रेड, उसका कोई नाम रखना है इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और अगर फंक्शन का नाम बता दो जो कि थ्रेड का मेन फंक्शन होगा।
उसके बाद आपने क्या करना है, उस थ्रेड को स्टार्ट कर देना है, तो आपका ये वाला फंक्शन पैरेलल में रन होना शुरू हो जाएगा। इस कोड में लिखो, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने सेपरेट क्लास बनाई हुई है थ्रेड के लिए। अच्छा, ये करना जरूरी नहीं है। ये हमने क्यों बनाई हुई है, ताकि ना वो मेन फंक्शन के वेरिएबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना आ सके, कि ये ना हो कि यहाँ भी मैं डी यूज कर रहा हूँ और यहाँ भी डी यूज कर रहा हूँ, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसकी चीजों को वो एक्सेस ना कर सके, मेन 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 फंक्शन जो है मेरा थ्रेड के साथ इंटरफेयर ना करे और थ्रेड मेन फंक्शन के साथ इंटरफेयर ना करे। तो इसके लिए मैंने अलग से क्लास बनाई हुई है, लेकिन ये करना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इनको सेपरेट रखने के लिए यही काम किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इनको मैं एक ही क्लास के अंदर भी लेके जा सकता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कि मैं इस फंक्शन को उठाता हूँ यहाँ पे, उठा के यहाँ से बाहर लेके आऊँ यहाँ पर, और इस क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, जहाँ पे मैंने हैंडल क्लाइंट वाली लाइन मेरे पास खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्लास ही खत्म कर दी है, मैं उठा के स्टार्ट थ्रेड वाला कोड उठाकर मेन के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे, और स्टार्ट थ्रेड का फंक्शन मैं खत्म कर देता हूँ, और सिंपल दो फंक्शन यहाँ पे रह गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, और इसके पहले बंद करना है, इसके बाद रन करना है इसको, यहाँ पे देखो मैंने अब दोबारा रन किया तो आउटमोस्ट वैसी मेरे पास आ रही है। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो उसके अंदर भी रख सकते हो, अलग क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। अलग क्लास बनाने का फायदा सिर्फ ये है कि आपके वेरिएबल्स प्रोटेक्ट होते हैं, इंटरफेरेंस नहीं आती। तो मेन फंक्शन जो होगा वो थ्रेड में इंटरफेयर नहीं कर सकता था, वो अब थ्रेड उसमें नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया, इनको मैंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। तो अब देख लो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर नीचे मैंने यहाँ पे कोड में कर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो ये स्टाइल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन बेहतर है कि अलग क्लास बनाओ, तो उसमें क्या होता है, कोई इंटरफेरेंस के चांस नहीं होते। इन करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये भी परफेक्टली वैलिड है आपके पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ज्यादातर टाइम हम एक ही क्लास में यूज कर रहे होंगे, तो आप देखोगे कि हम एक ही क्लास में काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा होता है कि अगर आप सेपरेट रख सकते हो, अगर नहीं रख सकते तब भी कोई मसला नहीं है इतना, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स के कोई इंटरफेरेंस ना हो यहाँ पे, क्योंकि नेम स्पेस इंटरफेयर कर रहा होता है। तो अभी हमने सिंपल दो फंक्शन बना दिए, सेकंड वाला भी पैरेलल में रन करेगा, फर्स्ट वाला भी पैरेलल में रन करेगा, और हमने अलग क्लास इसकी खत्म कर दी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है हमें, कि हम जो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्यों थ्रेड्स की यहाँ पे बात करें। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्वर का कोड रन करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं देखता हूँ सर्वर के साथ प्रॉब्लम क्या है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे एक सर्वर उठा रहा हूँ, कोड मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने सर्वर को यहाँ पे रन कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब इस सर्वर जो मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरे पास पोर्ट 23 पे क्रिएट हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं NC को यूज करते हुए मैं यहाँ इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर मैंने यहाँ पे सर्वर आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे NC को यूज करके कनेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ NC 127.0.0.1 और 23। तो देखो अब ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है क्लाइंट नंबर 1 स्टार्टेड। अच्छा, अब ये सर्वर क्या करते हैं, कहते हैं टी लिखोगे तो टाइम बताऊंगा मैं आपको, डी लिखोगे तो डे बताऊंगा वीक का, कुछ और लिखोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपने सही कमांड नहीं लिखी। तो मैं टी प्रेस करता हूँ तो उसने मुझे टाइम बता दिया वीक का, फिर अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो उसने मुझे डे बता दिया वीक का, डे कौन सा। तो और लिखता हूँ मैं FCH तो कहेगा कि रॉन्ग चॉइस, खाली ये काम कर रहा है साथ साथ, और यहाँ पे मुझे अपना आईपी एड्रेस भी प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है मेरे पास, अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि अगर मैं एक और क्लाइंट खोल लूँ इस वक्त, पुराने क्लाइंट को बंद ना करूँ मैं, सपोज कर मैं सेकेंड क्लाइंट यहाँ पे खोल लूँ, और अगर इस पर भी यहाँ पे NC लिख के कनेक्ट करना चाहूँ, तो क्या वो कनेक्ट होगा या नहीं होगा, क्या कहते हो उसके बारे में आप लोग। मैं एंटर प्रेस करता हूँ कि ये भी कनेक्ट हो जाएगा सेकंड क्लाइंट भी, या ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। नहीं सर, क्योंकि पहले वाला क्लोज नहीं हुआ तो ये तो नहीं कनेक्ट होगा।
एग्जैक्टली सही कह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो बस यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, तो ये मैंने डिस्कनेक्ट भी नहीं किया लेकिन यहाँ पे वेटिंग स्टेट में पड़ा हुआ है। अच्छा अब मैं पहले वाले को क्लोज करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ साथ ही सेकंड वाले पे कनेक्शन आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाले को क्लोज करता हूँ, साथ ही सेकंड वाले पे रिस्पॉन्स आ गया है और सर्वर के ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, क्लाइंट नंबर 2 स्टार्टेड यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्वर है हमारा है, क्या कह रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये सिंगल थ्रेडेड सर्वर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक क्लाइंट कनेक्ट तो हो जाएगा आपके पास, लेकिन जैसे ही सेकंड क्लाइंट कनेक्ट होगा तो क्या कर रहे होगे, इसको आप ब्लॉक कर रहे होगे। ब्लॉक करने का मतलब क्या कि आपने उसको एक क्यू के अंदर डाल दिया, एक वेटिंग क्यू के अंदर डाल दिया आपने कि आप वेट करो। तो सपोज करो अगर एन क्लाइंट्स कनेक्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एन तक जाते हैं, तो 1 कनेक्ट हो जाएगा आपका सर्वर के साथ, जो 2 से लेके एन तक होंगे वो क्या होंगे, एक क्यू में चले जाएंगे आपके, वो ब्लॉक हो जाएंगे वो। तो जब 1 डिसकनेक्ट होगा फिर 2 की बारी आएगी, 2 होगा 3 की बारी आएगी, 4 होगा फिर 5 की बारी आएगी, सो ऑन आखिर में जाके एन वाले क्लाइंट की बारी आएगी। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है, ये मेरा इंटरनेट गया। नहीं आवाज़ नहीं आ रही सर, स्क्रीन भी रुक गई है सर, स्क्रीन रुकी है। हाँ मेरा हालांकि डिस्कनेक्ट हो गया सर। कल भी छुट्टी है 25 मार्च की, 25 को क्या होता, जुमेरात मांगने जाना? नहीं वो वो परेड डिले हो गई है ना, तो 25 को छुट्टी हो जाएगी। ओ तब तुम लोगों ने कौन सा जाना है उधर परेड में, या सर ने कहीं जाना? वैसे हो भी सकता है, फौजियों का इदारा है। इस्लामाबाद में तो छुट्टी हो गई है ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ही आती है। हाँ लेकिन वो बोलेंगे हम घर बैठ के ले लेंगे, बेटा आपने कौन सा आना है। सारे दौरान पता है छुट्टी वाले दिन की क्लास ले लेते थे यार, बड़ा तंग किया उस बंदे ने। नहीं लेकिन ठीक है ना, मेकअप भी तो नहीं लिया ना फिर, अगर छुट्टी वाले दिन ले ली है क्लास। टीचर सारे आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं। नहीं 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 वो मेरा हाल है, मैम का कोई आज का मसला होगा इसलिए उन्होंने यार किया, जो टीचर गए हुए हैं वो भी गए हुए हैं रिकॉर्डिंग पे। क्या सीन है, क्लास खत्म हो गई? हाँ वैसे ही गपशप लगा रहे हैं। फिर यहाँ खुल गई तेरी अभी तक नहीं खुली, मुझे लगता है आवाज से तो ऐसे ही लग रहा है। मैं सीरियसली मैं तो अभी देख रहा खोल के क्या सीन है। भाई जानो वो आज जो लैब देनी है वो की है किसी ने? आज कौन सी लैब देनी है? कंट्रोल्स की। वो तो कर देंगे ना, कुछ ना कुछ सबमिट करवाना होता है यार, कुछ ना कुछ सबमिट करवाना होता है। मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ यार, ऊपर से इतना लेट कर दिया, हर टीचर ये कह देता है मैं नहीं कर रहा उसमें ग्रुप्स में, ये क्या मजाक बनाया हुआ है, फिर वो गुस्सा करना पड़ेगा। अब आज ये सबमिट करानी है, परसों कल का थोड़ा ब्रेक होगा और परसों वो करवाना है। इसकी दो है भाईजान, सीएस की लैब भी करवानी है और न्यूमेरिकल एनालिसिस का वो असाइनमेंट भी, फिर उसे एक दिन का गैप है, फिर वो अपना असाइनमेंट है सीएसपी की।
यार गुलबाग की मैम क्विज का बोल रही थी, वो ना रखवाई इस हफ्ते, वरना बचना कुछ नहीं है अभी से। जी मैम, ये मैम डीएसए वाली मैम बोल रही थी ना कि क्विज होगा, वो ना वो नहीं यार, नहीं नहीं बनता ही नहीं है क्विज, अभी आठवां वीक पूरे नहीं हुआ DSP. अभी देन। डीएसपी मैम वाली मैम ने तो ले लिया होगा क्विज पिछले फ्राइडे को। अब कौन सा क्विज है, हम क्विज ही देते रहे हर हफ्ते। सही बात, बिल्कुल ठीक बात किया आपने। चलो लैब्स का कुछ करो भाई, लैब्स वो बात करो सर से, उन्हें उन्हें लग रहा है बाकियों ने ग्रुप में कर दी हुई है, हर कोई यही कहता है बाकियों ने कर दी है तो मैं क्यों करूं। सर आए थे फिर चले गए। टू टाइम लेके गए हैं। जिस तरह हमारा ये बिजी जा रहा है ना, काम शाम हर दिन कुछ ना कुछ सबमिट कराना होता है, तो वही वो जो ईएम का प्रोजेक्ट है ना उस पे भी काम नहीं होना। ओहो नहीं नहीं है वो, अब क्या बंदा करे उसमें प्रोजेक्ट में, आप तो करोगे सर्विस इंडस्ट्री का ऑडिट। तो हमने तो आईएसटी का कुछ दिया हुआ था, हमने तो बिल्कुल भी नहीं करना, हम तो कुछ करेंगे कुछ नया यार वो करेंगे। मसला नहीं है, मसला है उसको ऊपर काम करना, उसको भी टाइम देना पड़ता है, टाइम देने की बात है सिंपली। टाइम तो है नहीं ना, वही कह रहा हूँ ना, पर टाइम ही नहीं है। ऊपर से मिड्स भी इन्होंने आगे कर दी हैं, हमने बिल्कुल ये पढ़ना नहीं है, बस जो होगा वो पेंडिंग पे वो जमा करवाना है और जांच छुड़वानी मिड्स तो नहीं हो रहे ना, मिड्स तो कैंसिल है ना। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। अच्छा हम बात कर रहे थे, सॉरी कनेक्शन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। अच्छा हम बात कर रहे थे सिंगल थ्रेडेड सर्वर हमारे पास बन गया है, लेकिन मल्टीपल क्लाइंट्स को ये हैंडल नहीं कर सकता। तो अब हमने क्या करना है, जो कोड है हमारे पास सर्वर का नॉर्मल सा कोड है कि आप क्या करते हो, इनपुट लेते हो, उसके बाद टी हो उधर टाइम सेंड कर दोगे, डी हो उधर डेट सेंड कर दोगे, इसके अलावा कोड में कुछ भी नहीं है। तो आप चेक करो टी आ रहा है आपके पास कि डी आ रहा है या आपके पास कुछ और आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट चीजें सेंड करो। इसके अलावा सिंपल से वही सर्वर है जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है इसको, अब हम जो नई टेक्निक सीखी है इसके यूज करते हुए इसको मल्टीपल थ्रेड्स पे लेके जाना है ताकि मल्टीपल क्लाइंट्स को वो हैंडल कर सके सेम टाइम पे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा करें कि ये सारे हमारे पास स्टेप्स हैं यहाँ पे, कि हम पहले स्टार्ट क्या करते हैं, सर्वर आपका लिस्टिंग मोड में होता है, फिर वेट कर रहा होता है कनेक्शन का, उसके बाद जब कनेक्शन यहाँ पे आता है इसके पास तो आप क्या करते हो, यहाँ पे नई ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ये इनपुट आईओ स्ट्रीम, रीडिंग स्ट्रीम, आउटपुट राइटिंग स्ट्रीम बनाते हो, और उसके बाद हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं क्लाइंट के साथ। अच्छा अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे हम किस पॉइंट पे जाके थ्रेड क्रिएट करें, क्या लिस्टिंग के बाद नया थ्रेड क्रिएट कर दिया या कनेक्शन का वेट करें तब करें, या जब नया कनेक्शन हमारा हो तब करें, या उसके बाद किसी पॉइंट पे करें, कहाँ पे थ्रेड क्रिएट करें यहाँ पे? सर लिस्टिंग के बाद करेंगे ना। ठीक है, एक एक मेन प्रोसेस जो होगा लिस्टिंग करना रहेगा। सर सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया आई इंटरनेट नहीं रही यार, और सर ने मेरा ना थोड़ा सा आगे से शुरू कर दिया। सर को नहीं पता चला कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, कहीं सर अपना पढ़ाई तो नहीं जा रहे? हाँ पहले हम
क्लाइंट को देख रहे थे। हाँ वही चक्कर है मुझे लगता है। सर को पता ही नहीं चला, सर पढ़ाई जा रहे हैं, उन्हें लगा क्लास चुप है। सर को बताते हैं जहाँ आपने वो बताया ना कि क्लाइंट वन क्लाइंट टू, उसके बाद कुछ भी नहीं हमें पता क्या चक्कर है। गुलबाज आज नेट प्रो का क्लास मसला होगी, है मेरे ख्याल से, ग्रेटेस्ट इसलिए मैम लेट। क्लास ऑफ ऑल टाइम क्या कौन आज, क्वालिटी डे क्या होगी। भाई, मैंने तो यकीन माना उसके पहले वीक के लेक्चर लिए हैं, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है इसमें सीएस में वो कह रहा है। बोला सर ने, बोला अपने पिछले लेक्चर में कि अब वीक में एक दिन क्लास वर्क करेगी क्योंकि हम कोर्स में काफी आगे हैं, तो हमने स्पीड स्लो करनी है, तो बाकी 2 दिन असाइनमेंट ना रोक लेने थे। जी नहीं, चुप करो, ए, चुप करो, बाकी 2 दिन क्या? बाकी 2 दिन असाइनमेंट और क्विजेज वगैरह मतलब अब हुआ करेंगे। वो भी अभी वेट कर लेते हैं, अभी हम बहुत आगे, यार सर तो बहुत सीएस आगे हैं, इतना आप मुश्किल है तो ना, बहुत पीछे हैं। सीएस इतना मुश्किल है। सर ने उतनी बेसिक्स पढ़ाई हुई है उसमें, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अपना ट्रांसफर फंक्शन वगैरह और ये चीजें, लाप्लास और यार कहाँ पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ। वो SNS में था वो, पता है सवाल एक लाप्लास का थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ही था, तो अच्छी बात है दोबारा पढ़ा रहे हैं। दोबारा तो नहीं यार पढ़ा रहे, IST का हिसाब ही है, मुश्किल चीज़ें पहले पढ़ाते हैं एक दो सब्जेक्ट्स में, फिर जो असली कोर्स होता है वो आगे होता है उसमें दोबारा वही पढ़ाते हैं। जैसे DSP का हिसाब लगा लो, हम ये चीज़ें पहले उसमें भी पढ़ चुके हैं, वो कौन सा था SNS भी सेम चीज़ें, और तब तो बिल्कुल आइडिया नहीं था होता, और इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी पढ़ा लेते तब, अगर बाद में दोबारा ही पढ़ानी थी तब ना हमें इतनी टेंशन होती। रबिया, ये सर लोधी ने कहाँ पे कहा है? यार वो जो लास्ट लेक्चर था ना वो मैं सुन रही थी, तो मतलब सर ने लेक्चर में तो 15 मिनट का ही है, उसके अलावा सर ने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की हुई है क्योंकि ए से किसी ने पूछा था, और जो है ना स्टार्ट में सर ने ये उनको बात बोली थी, तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर भी यही अप्लाई होगा। हाँ ठीक है सर, क्लासेस तो उनकी लेते हैं ना, तो क्विज भी उनके ही लेंगे हम तो रिकॉर्डिंग सब। वो भी रिकॉर्डिंग आती है। कोई नहीं यार, है रही है, मौज करते हैं। लैब की है ये वाली नजमी आज जो देनी हाँ ये वाली तो यार सही है, थोड़ी सी देखी है मैंने ठीक जो है, लास्ट। समझ में आती। हाँ लैब 6 अजीब सी है, वो सर ने अजीब सा, मुझे समझ नहीं आई उसकी, इसका लेक्चर लिया था। हाँ इसका तो लेक्चर भी रिकॉर्डिंग में आया था ना, लैब फाइल यार ईएम के का। प्रोजेक्ट का क्या करना है, अब तो मिड्स भी नहीं हो रहे, मैम ने कहना है अब तो आपके मिड्स भी नहीं हो रहे हैं, तो अब आप करेंगे? 30% क्या है वो? अब ये सब टीचर्स बोलेंगे अब तो मीट्स भी नहीं हो रहे। यार यार ईएम के क्विजेज ऊपर से ज्यादा रमजान आ करवा रहा है, दो, वो मैम अजीब से क्विज रमजान लेती में हूँ हम वैसे है ही यार। बाहर। क्विज अगर ज्यादा होंगे ना तो कोई मसला नहीं है, क्विज का फायदा ये है वो बेस्ट वाला चक्कर हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो खुदा सारी करते वेटेज हैं ही क्विजेस असाइनमेंट्स की है। हाँ तो क्विज की टेंशन ना लो, वो बेहतर ही है हमारा, वो कम हुआ है तो ज्यादा मसला भाई, अब क्विज की कम से कम भी 25-30% वेटेज हो जानी।